डबल पापी बन जाए। हमारे देश में मनी प्रथा पहले चलता था जिसको कहते हैं वैदिक युग में। वैदिक धर्म में पांच प्रकार के बलिदान के बारे में लिखा गया है, पांच प्रकार के बलिदान के बारे में लिखा गया है, और वो ये है गोमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। ये चार प्रकार की बलि के बारे में कहा गया। इस चार प्रकार की बलि लोग चढ़ाते थे पहले, लेकिन चार प्रकार के बलिदान के द्वारा भी लोगों को पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए पांचवा बलि के बारे में लिखा गया है जिसको कहते हैं प्रजापति यज्ञ। ये प्रजापति यज्ञ करके जो लिखा गया है, शास्त्री लोग, ज्ञानी लोग, जिनको वेद का ज्ञान है, वो ये कहते हैं ये प्रजापति स्वयं ईश्वर का अवतार है। ये प्रजापति वो है जो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र पुरुष है, जो सारे मानव के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करने वाला एक अवतार होगा, जिनके लहू बहाने से मनुष्य के पापों की क्षमा। हालेलुया। हमारे देश के शास्त्र में उनके बारे में लिखा गया है। लोग ढूंढते हैं ये व्यक्ति कौन है, ये पुरुष कौन है जो पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। और आज से 2000 साल पहले उस पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। इसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 21 वचन को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन। जल्दी जल्दी निकाल के पढ़िएगा, हम बोलते जाएंगे और आप निकाल के जल्दी पढ़ते हैं। भगवान का जो हाँ वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना? और थोड़ा जोर से बोलिए, क्या रखना? और थोड़ा जोर से यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा अवतार नहीं, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा पुरुष नहीं जिनके बारे में ये लिखा गया नहीं है, क्योंकि सारे मानव जाति तो पापी है, सारे मानव जाति पापी है, और हर पापी को पापों की छुटकारा उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पापों से उद्धार करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातें करता है, इसराइली लोगों से, यहूदी लोगों से बातें करता है, क्योंकि इसराइली लोग, यहूदी लोग ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं करके अपने आप को मानते थे, जो जिनके कुल में, जिनके देश में, जिनकी बिरादरी में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, उनके बीच में चला फिरा, उनको पहले सिखाया, और वो उनको कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, तुम्हें सत्य को जानने की जरूरत है, अन्य जातियों को नहीं, बाहर के लोगों को केवल नहीं। हम सोचते हैं हम सत्य को जान लिए, कुछ लोग ये मानते चले हैं मेरे पिताजी अगर यीशु मसीह को मानते हैं, मेरे माता जी अगर प्रभु को जानती है, तो ऑटोमेटिक हम भी प्रभु के संतान बन गए। पैदाइशी क्रिश्चियन दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं बन सकता। अगर पैदाइशी क्रिश्चियन बन जाते तो क्या होता पता है? एक दिन एक माता
एक माँ अपनी छोटी बेटी को प्रार्थना करने के लिए सिखा रही है। छोटी बेटी क्या करती है, अपनी माँ की हर एक चीजों का नकल करती है। ये माँ क्या करती थी, अपने सर पे ओढ़नी देकर घुटने में आके आंखें बंद के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए ये छोटी बेटी उनको देखते रहती थी और इनकी नकल करती थी। तो ये आके अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ। मम्मी बोली ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलो अगर प्रार्थना करना चाहती हो। तो दोनों प्रार्थना की मुद्रा में आ गए, दोनों प्रार्थना करना शुरू किए। उनकी मदर जो है, मम्मी जो है, पहले बोलती है और बेटी उनके पीछे पीछे उसको दोहराना है। अभी मम्मी बोली क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड, रिपीट देन मेरे पीछे बोलो। बोले लगी यीशु पापा। तो छोटी बच्ची मम्मी का ये बात को सुनी और चुप रही, कुछ नहीं बोली। मम्मी बोलती अरे मेरे पीछे बोलो यीशु पापा। ये लड़की फिर भी कुछ नहीं बोलती, चुप है। तो मम्मी बोली क्या है, मेरे पीछे बोलो ना, तुम प्रार्थना करना चाहती हो ना, बोलो यीशु पापा। तो तीसरी बार जब बोली तो छोटी बच्ची बोलने लगी यीशु नाना। क्या बोलो, यीशु नाना जी। क्यों मम्मी बोले यीशु नाना नहीं, यीशु नाना नहीं, यीशु पापा है। तो बेटी बोलती है जो आपके पापा है वो तो मेरे नाना लगते हैं। अगर यीशु आपके पापा है तो मेरे को क्या लगेंगे, नाना। ये खानदानी अगर होता, मेरे पेरेंट्स मेरे पापा मम्मी प्रभु को जानते हैं इसलिए मैं प्रभु को जानता हूं, तो यीशु पापा नहीं, यीशु नाना लगता, यीशु दादा लगते मेरा। लेकिन ऐसा नहीं, गॉड हैज नो ग्रैंड चिल्ड्रन। परमेश्वर का कोई नाती पोता नहीं, गॉड हैज ओनली चिल्ड्रन। हालेलुया। पिताजी भी प्रार्थना करते समय बोलते हैं यीशु पापा, और माताजी भी प्रार्थना करते हुए बोलती है यीशु पापा। बच्चे भी बोलते हैं यीशु पापा, और बच्चों के बच्चे भी बोलते हैं यीशु पापा, बिकॉज गॉड हैज नो ग्रैंडचिल्ड्रन। सबको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानना पड़ेगा। यानी कोई पैदाइश मेरा पापा मम्मी प्रभु को जानते हैं या ईसाई है इसलिए हम प्रभु को जानते हैं विश्वासी, ऐसा नहीं है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय का सातवां वचन में लिखा है, चैप्टर 3:7, पढ़िएगा। अचंभा ना करो कि अचंभा ना करो कि मैंने तुमसे कहा सच्चाई को जानना और सच्चाई को अनुभव करना दो अलग अलग चीज है। सच्चाई को जानना केवल बौद्धिक रीति से मेंटली या इंटेलेक्चुअली, टू नो क्राइस्ट इज नथिंग मोर नथिंग ग्रेट, बट टू एक्सपीरियंस क्राइस्ट यीशु मसीह को अनुभव करना बहुत बड़ी बात। कैसे सच्चाई को हम जान सकते हैं, हाउ टू नो द ट्रूथ एंड व्हाट इज ट्रूथ। एक बार ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस गवर्नर
गवर्नर के सामने खड़ा था। वचन में लिखा है उसका 18 अध्याय 38 वचन का पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 38 वचन। पिलातुस ने उनसे कहा अब ये सवाल तुमसे लाजमी है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मुक्त करेगा, आजाद करेगा। तो अभी सवाल ये है कि सत्य क्या है? What is truth? ये सत्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सत्य क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है? आइए परमेश्वर के वचन से कुछ समय हम सत्य के बारे में मदद करेंगे आज के सुबह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, मेरा वचन सत्य है। आमीन। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें क्या जानना पड़ेगा? बोलिएगा क्या जानना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा। हम लोगों की बातों को जानते हैं, रीति रिवाज को जानते हैं, लोगों की कही सुनी अनसुनी बातों को जानते हैं, परंतु हमें आज किस चीज की जरूरत है? सत्य को, यानी परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए। तुम सत्य को जानोगे, परमेश्वर के वचन को जानोगे। परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। क्यों? एफिसियों पहला अध्याय अगर पढ़े, एफिसियों पहला अध्याय उसका 13 वचन, एफिसियों चैप्टर 1 वर्स 13। परमेश्वर का वचन क्या है? यहां पर क्या लिखा है? उद्धार का सुसमाचार। हालेलुया। मनुष्य को सत्य को जानना चाहिए, उद्धार का सुसमाचार को सुनना चाहिए, तब जाके मनुष्य को आजादी मिलेगा, आत्मा को आजादी मिलेगा। पुराने नियम में लोग जानते तो थे वचन को, व्यवस्था को नहीं जानते थे, 10 आज्ञा सत्य
इन वचनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का गवाही है, वो क्या है कि तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है। ये उद्धार का सुसमाचार, ये सच्चाई है, परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर की वचन के अंदर जो उद्धार का सुसमाचार है, उसको कोई व्यक्ति को जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसी को जानने से, उसी को सुनने से और मानने से हमारे पापों से उद्धार मिल सकता है। हालेलुया। केवल रट्टा मारने से उद्धार नहीं मिलता। एक बार ऐसा हुआ, किसी गांव में एक सुसमाचार की सभा हो रहा, सभा में प्रचार के बाद जब मैं जाने लगा तो रास्ता में एक व्यक्ति मिला। मैं उसको देखते ही समझ गया कि आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसके पांव एक जगह स्थिर नहीं, हिल रहा था। समझ रहे हो ना क्या आत्मा हो गया? आधा लीटर वाला, एक लीटर वाला आत्मा मार्केट में मिलता है क्या? हड़िया दारू पी के एकदम डन है, रास्ते में खड़ा है। बोला पादरी साहब, आपने जो प्रचार किया मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है, क्या अच्छा लगा? अरे आपने जैसा प्रचार किया हमको भी ऐसा प्रचार करना था। अच्छी बात है, प्रचार करना भी आता है। आप सुनोगे मुझे प्रभु के प्रार्थना तक आता है। क्या प्रभु के प्रार्थना है? फुल पिया हुआ है दारू नशा में, फिर भी कहता है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। लेकिन जो पिता करके शब्द कहा ना, हे हमारे पिता, पिता ने क्या बताया? क्योंकि खुद पिया हुआ, खुद पिया हुआ है, इसलिए पिता को क्या करके कहता है पिता। क्या ऐसे क्या किसी को उधार दे सकता है? ऐसा रट्टा मारने से कोई उद्धार पा सकता है क्या? तुम्हें अवश्य नए सिरे से जन्म लेना है। ये नए सिरे से जन्म जो है उद्धार का सुसमाचार को सुनने से, मानने से होता है। ये उद्धार का सुसमाचार क्या करता है? सत्य के वचन मनुष्य के अंदर पाप की बोध, पाप के ज्ञान को उत्पन्न करता है और पश्चाताप लाता है, जिसके लिए मनुष्य अपने पापों के लिए खेदित हो जाता है, शोकित हो जाता है और पापों के लिए क्षमा याचना करता है। और पापों की इलाज यीशु मसीह को क्रूस के पर क्या हो बलिदान को वो समझ लेता है। तब जाके व्यक्ति का पापों की क्षमा, नए सिरे से जन्म होने का अनुभव में व्यक्ति आ सकता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। सत्य को जानना पड़ेगा। ये सत्य को जानना मतलब केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, जीवन में एक अनुभव में लाना पड़ेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। सत्य क्या है? उद्धार का सुसमाचार है। और ये सुसमाचार क्या है? What is the good news? What is the gospel? सुसमाचार ये है कि परमेश्वर जगत के साथ मेल मिलाप कर रहा था और अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करके मनुष्य के पापों को क्षमा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु के द्वारा पिता के पास आता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पापों को वो क्षमा कर देता है। हालेलुया। मनुष्य को पापों से छुटकारा चाहिए, मनुष्य को पापों से आजादी चाहिए। आजादी, स्वतंत्रता कहने का मतलब, जो लोग टेलीविजन देखते हैं आजकल बहुत खुशी से, दिल्ली में अभी प्रदर्शन हो रहा है, जेएनयू के स्टूडेंट्स लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है बड़े जोर से, और वे लोग गाना गाते हैं आजादी आजादी गाना गाते हैं। किस चीज से आजादी चाहिए? समंतवाद से आजादी, छुआछूत से आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, बिग भुगमानी से आजादी, अलग अलग प्रकार की चीजों से आजादी 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 के नारा लगा। हालेलुया। मैं गौर से सुनने लगा, मैं सोच रहा था पाप और श्राप से भी आजादी क्यों नहीं लगाते थे? भुगमानी से आजादी, बीमारी से आजादी, कमजोरी से आजादी, पाप से आजादी कौन दे सकता है? जेट के स्टूडेंट
36 वचन इसलिए यदि तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे इसलिए यदि तो इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सत्यों तुम स्वतंत्र हो जाओगे आमीन हालेलुया इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे आज हमारे देश के छात्रों को कौन चाहिए आजादी देने वाला कौन है हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश की शिक्षा मंत्री नहीं है हमारे देश की कोई नेता मंत्री नहीं है अगर आजादी चाहिए असली स्वतंत्र चाहिए तो एक व्यक्ति को जानना पड़ेगा हमें नारा लगाना पड़ेगा आजादी चाहिए तो ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह वचन में शास्त्र में लिखा है तुम उसको जानोगे वो तुम्हें स्वतंत्र करेंगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे हालेलुया काम देने वाला यीशु है चंगाई But they don't have education. समझ रहे इसका मतलब? लोगों के पास क्वालिफिकेशन है लेकिन एजुकेशन नहीं है शिक्षा का योग्यता तो है लेकिन असल शिक्षा अनुशासन प्रशिक्षण उसके अंदर नहीं है एजुकेशन नहीं है इसलिए हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे अच्छे रोड बना के हम लोग रखते हैं हमारे देश के सरकार लेकिन कुछ दिन के बाद देखिए रोड को कहां खड्डा कर दिए है ना म्युनिसिपैलिटी वाले अच्छा अच्छा लाइट्स वगैरह लगा के रखे हैं लेकिन एक महीना नहीं जाता लाइट तो हम लोग फोड़ देते हैं और दोष लगाते कि ये सरकार कुछ नहीं करती अच्छे अच्छे बस चलाते हैं लेकिन बाद में देखते हैं एक महीना में बस की सीट तो हम लोग खुद ही प्लेट लगा के फाड़ देते हैं अच्छे ट्रेन को देखिए गंदगी फैलाने वाले हमारे भी लोग हैं कितने बार तो मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ सामने कोई बैठ के मुंह छिलने लगता है तो मैं बोलता हूँ भैया मुंहपली छिलके यहाँ पर नहीं गिराना ये गंदा हो जाएगा मुंहपली का अगर खाते हो तो छिलका बाहर फेंको और अपने बगी को साफ सुथरा रखो पहले पहले लोग गुस्सा करते थे आज का धीरे धीरे समझ ले रहे हैं स्वच्छ भारत का अभियान पीपल आर क्वालिफाइड बट दे आर नॉट एजुकेटेड पढ़े लिखे तो है लेकिन छोटे छोटे साधारण ज्ञान नहीं है असली आजादी स्वतंत्रता यीशु मसीह को जानने के द्वारा मिलता है एक बार इतिहास उठा कर देखिए हमारे लोगों का अपने अपने इस एरिया का मिशनरियों का छोटा नागपुर एरिया का रांची एरिया का गांवकल एरिया का सुंदरगढ़ एरिया का एक बार इतिहास उठा कर देखिए यहाँ पर सुसमाचार आने से पहले शिक्षित पढ़े लिखे साफ सुथरा रहने वाले ऑफिसर और जितने भी अच्छे अच्छे नागरिक आज इन एरिया में दिखाई देते कारण क्या है प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हालेलुया जहां पर लोग यीशु को जानने लगे यीशु को मानने लगे यीशु के द्वारा जीवन शैली परिवर्तन हो गया वहां लोग पुराने प्रथाओं को उन गंदगी को उन बुराई को छोड़ दिए जीवन बेहतरीन होने लगा यीशु के ज्ञान नहीं है उद्धार का सुसमाचार नहीं है ऐसे व्यक्ति को आजादी कौन दे सकता है कोई कानून नहीं दे सकता है कोई सरकार नहीं दे सकता है उसके अंदर एक परिवर्तन की आवश्यकता है जिसको बाइबल में लिखा गया है कि तुम मन फिराओ हालेलुया जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है मन परिवर्तन करता है तो उसको असली आजादी मिल जाता है वो बाद में कह सकता है पहले तो मैं दारू का पहले तो मैं गलत काम का शिकार था मैं गलत जिंदगी बिताता था
सलाह चाहता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि समय की बर्बादी है। जो विश्वास नहीं करते हैं वो स्वभाव में नहीं जाते हैं। पूछो तो क्यों, अरे वहां जाने से क्या होगा, वहां जाने से क्या होगा, कोई आएगा कुछ दो चार शब्द बोल के चले जाएंगे, सुनने से क्या होता है। साहब आप नहीं जानते, सुनने से ही सब कुछ होता है। हालेलुया, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और सुनना किस चीज से होता है, मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, जो मसीह के वचन को उद्धार परमेश्वर। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की वचन कहने का मतलब